हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे इस विकट स्थिति परिस्थिति में। इसी में आप लोगों को पढ़ाई भी करनी पड़ती है, एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। जो लोग एस्टेट का एग्ज़ाम दिया था और 8 साल के बाद एस्टेट का एग्ज़ाम फिर से हुआ था 2012 के बाद बिहार में, तो एक तो एग्ज़ाम नहीं हो पा रहा है टाइम पर, जो कि हर एक साल लेना चाहिए। दूसरा, एग्ज़ाम लेता भी है तो आज से 8 साल पहले भी वही गलतियां किया था, क्वेश्चन लीक हो गया। इस बार भी वही गलतियां कहीं न कहीं हुई और अलग अलग सेक्शंस में क्वेश्चंस देना चाहिए था तो एक ही में सारा क्वेश्चंस दे दिया, एक जनरलाइज करके। एनी हाउ, जो 9th, 10th, 11th, 12th के लिए जो एस्टेट का एग्ज़ाम हुआ था 28 तारीख को, तो इस संदर्भ में सूचना यह है कि बिहार बोर्ड ने कहा है कि वह 3 महीने में एग्ज़ाम लेगा। 3 मंथ्स के बाद, एक तरह से समझिए तो अभी जून, जुलाई, अगस्त, मैं पहले भी बताया था कि यह एग्ज़ाम अगस्त में होने की पॉसिबिलिटी यहाँ पर बन रही है। तो बिहार बोर्ड ने स्पष्ट कर दिया कि 3 महीने में यह एग्ज़ाम्स, एस्टेट की एग्ज़ाम्स को फिर से लेने की तैयारी में जुटा हुआ है। वस्तुतः इस संदर्भ में जैसा कि हम लोगों को पता है कि एस्टेट का एग्ज़ाम जो 28 तारीख को हुआ था वह रद्द कर दिया गया। बिहार बोर्ड ने अपनी जांच रिपोर्ट में पाया कि इसमें कई सारी गलतियां हुई है और धांधली आदि से लेकर के क्वेश्चंस के स्तर पर, तो उसी क्रम में इसे रद्द कर दिया गया और फिर से एग्ज़ाम लेने की बातें अब हो रही है। इस संदर्भ में छात्रों का एक समूह जिसमें पंकज कुमार आदि लोग हैं, एक हाई कोर्ट में याचिका दायर किया था पुनर एग्जाम लेने के संदर्भ में। तो इसमें जस्टिस अनिल कुमार सिन्हा ने कहा है, बोर्ड ने बताया कि मैं 3 महीने के बाद एग्जाम, 3 महीने में एग्जाम लेने की मैं तैयारी कर रहा हूं, तो इस पर हाई कोर्ट ने अभी रोक लगा दी है कि पीछे का जो एमआर सीट है उसको आपको नष्ट नहीं करना है। ठीक है, यह एक महत्वपूर्ण बातें हैं और एक बहुत सारी संभावनाएं यहां पर दिख रही है। हालांकि इसकी अगली सुनवाई 6 जून को रखा गया है, 6 जून को। अब यह तो तय है कि एग्जाम होगा, ठीक है, और एग्जाम आपका अगस्त के आसपास होगा, इसलिए आप लोग, जो लोग एस्टेट की एग्जाम्स में अपियर हो रहे थे, हुए थे और लगभग 2,47,000 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। देखिए, बोर्ड गलतियां करता है और खूब करता है, इसलिए आपकी तैयारी इतनी अच्छी हो कि 2-4 क्वेश्चन इधर उधर कोई मैटर ना करे, इतना अच्छा आपका स्कोर हो कि आप एनी हाउ क्वालिफाइड हो जाएं। ठीक है, तो यह महत्वपूर्ण बातें हैं, क्योंकि बोर्ड गलती भी करेगा, आंसर भी हो सकता है गलत दे, क्वेश्चंस को डिलीट कर दे, जैसा कि बीपीएससी वगैरह बार बार करती है, तो बिहार बोर्ड तो और भी उससे छोटी चीज़ें हैं। ठीक है, तो इसमें ओवरऑल बातें यही है कि एग्ज़ाम्स आपका अगस्त में होने की पॉसिबिलिटी बन रही है। हालांकि 6 जून को सुनवाई है, आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा जैसे ही कोई खबर आएगी तो, और इसके लिए आप लोग रिपब्लिका श्रीधरम यूट्यूब चैनल, जिसको आप लोग अभी देख रहे हैं, उसको आप लोग इंस्टॉल कर लेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे और वहाँ पर आपको खबर मिलती रहेगी। साथ ही रिपब्लिका आईएएस को, ऐप को भी इंस्टॉल कर लेंगे, क्योंकि इस ऐप पर आप लोगों को टीचर्स से रिलेटेड एक टीचर्स रिपब्लिक करके एक सेक्शंस है, जहाँ पर आपको सारी क्लास से लेकर के, ऑनलाइन क्लास से लेकर के, और क्वेश्चन है, प्रैक्टिस है, इंस्ट्रक्शन है, पीडीएफ वगैरह है, सारी चीज़ें मिलती रहेगी। ठीक है, तो इससे आप जुड़ जाइए और साथ ही अपनी तैयारी को धारदार आप कीजिए, क्योंकि बोर्ड गलतियां करेगा ही करेगा। ठीक है, अगली कोई खबर होगी तो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा।
ठीक है इमीडिएटली, लेकिन तैयारी में आप लग जाइए। ओवरऑल बातें यही है, इसी में आप सेफ रहेंगे और टीचर बनने की आपकी जो इच्छा है अपेक्षा है वह पूरी हो पाएगी और ऐसा सर्टेनली होगा। एक स्ट्रेटजी के साथ आप आगे बढ़िए। ऑल द फ्रेंड्स बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट, फिर मिलते हैं नई सूचना के साथ और आपकी ऑनलाइन क्लास आदि के साथ। ओके बाय।